टेंथ इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 जो है उसको आज हम समझेंगे, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7 का ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक। भारत की झलक, जैसे आप भारत के कई भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों में गए हैं, तो जैसे ही हम आपके सामने गुजरात का नाम लें तो आपको वहाँ की कोई डिश या वहाँ के कोई पारंपरिक परिधान और कोई एक चित्र ध्यान में आएगा। ऐसे हम जिस जिस प्रांत या जिस जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ की कोई स्पेशलिटी जो रहती है वो हमारे दिमाग में आ जाती है। तो यहाँ पर जो राइटर हैं इस चैप्टर के, लुइस ल्यूसियो रॉड्रिक्स, तो जो है उन्होंने बताया ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया ने भारत की झलक के अंदर उन्होंने गोवा के बारे में बताया है और उस चैप्टर का नाम दिया है अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का बेकर या बेकरी करने वाला। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो गोवा प्रांत है वो पहले पुर्तगालियों के शासन के अंतर्गत था। जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो गोवा पर कौन शासन करता था, पुर्तगालीज करते थे। और वो पुर्तगालियों का बहुत ज्यादा विशेष था बेकरी का काम, यानी बेकरी जो थी वो पुर्तगालीज की बहुत बड़ी विशेषता थी। और वहाँ पर गोवा में ये बेकर जो है बहुत कॉमन थे, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एल्डर्स ऑफ गोवन कम्युनिटी फॉन्डली रिमेम्बर द पुर्तगीज रूलर्स ऑफ गोवा एंड देयर एपेटाइट फॉर ब्रेड, यानी जितने भी गोवा में रहने वाले बुजुर्ग हैं वो फॉन्डली यानी बहुत ज्यादा अत्यधिक रूप से किसको याद करते हैं, पुर्तगीज रूलर को याद करते हैं। और देयर एपेटाइट फॉर ब्रेड, ब्रेड यानी रोटी, ब्रेड उसके बारे में जो बेकरी प्रोडक्ट है उसको बहुत दिल से याद करते हैं और पसंद करते हैं। The author remarks that even though the Portuguese are gone, the one who kneaded, shaped and baked the bread, that is the baker, are still alive. अब क्या बोल रहा author? author कह रहे हैं कि भले ही पुर्तगाली वहां से गोवा से चले गए हों, लेकिन जो आटे को गूंदता था, जो शेप देता था और जो उनको बेक करता था और ब्रेड बनाता था, जिसको कहते हैं बेकर, वो आज भी गोवा में मौजूद हैं। मतलब पुर्तगाली चले गए लेकिन बेकर्स आज भी गोवा में मौजूद हैं। डिस्पाइट चेंजिंग टाइम्स द बेकर्स और पैडर रिमेन्स एज एसेंशियल फिगर इन द गोवन कम्युनिटी। भाषा में, पुर्तगाली भाषा में कहा जाता है पैडर, तो जो बेकर हैं, जो पैडर हैं, आज भी वो गोवा कम्युनिटी का बहुत जरूरी और बहुत अहम हिस्सा है। मतलब जो बेकरी का जो गिफ्ट है वो पुर्तगाली से मिला, बेकर या पैडर अभी भी गोवा में रह रहे हैं। द ऑथर रिमेम्बर विथ फॉन्डनेस द साउंड ऑफ जिंगलिंग एंड द थड ऑफ अ बैम्बू स्टिक व्हिच अनाउंस द बेकर्स अराइवल। अब क्या बोलते हैं ऑथर, उन दिनों की अपने बचपन की याद करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से जब वो छोटे बच्चे थे और उनकी गलियों में, गोवा की गलियों में जब ये बेकर आया करते थे तो वो दो प्रकार के साउंड करते थे। पहला, बैम्बू स्टिक में उनके जो घुंघरू नुमा बंधे रहते थे उससे आवाज होती थी, तो वो जिंगलिंग करते थे। और जब लकड़ी की आवाज, किसी लकड़ी पे जोर से बैम्बू स्टिक को मारा जाता है तो जो आवाज आती है उसको कहते हैं थर्ड साउंड, तो वो साउंड होता है थर्ड। तो थर्ड और जिंगलिंग साउंड जो होते हैं वो जब बजने लगता था तो वो समझ जाते थे कि बेकर आने वाले हैं, बेकर आ चुके हैं। अभी भी हमारे यहाँ पर देखना, छोटे छोटे गली कूचों में क्या होता है, लोग घंटी बजा करके कहीं बुड्ढी के बाल या कुछ ऐसे बच्चों के पसंदीदा कोई आइटम बेचते हैं तो बच्चे उसको, उस साउंड को सुन करके क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि फलाना व्यक्ति आ चुका है। He would balance the bread basket on his head and one hand while banging the bamboo stick with the other hand. तो वो जो बेकर्स रहते थे वो एक हाथ से किसको बैलेंस करते थे, ब्रेड बास्केट जिसपे वो बेकिंग वाले ब्रेड लेके आया करते थे उसको बैलेंस करते थे, और दूसरे हाथ पर उनके पास क्या रहती थी, बैम्बू स्टिक रहती थी जिससे वो जिंगलिंग और थड का साउंड क्रिएट करते थे। As children, they used to rush out of the house and greet the baker. अब जब वो बच्चे थे तो बच्चों की तो
जिज्ञासा रहती है कि कोई भी अगर आए तो फट से निकल करके उसको देखते हैं। तो ऐसे ही जब औरतें छोटे बच्चे हुआ करते थे तो सारे बच्चे बेकर को देखने के लिए बाहर निकल आते थे और ग्रीट किया करते थे, उसका अभिवादन करते थे। What they were looking for were bread bangles, a traditional Goan bread shaped like ring, which the baker sold along with the loaves for the adults. अब ये जो बेकर हुआ करते थे, इनके जो ब्रेड बास्केट में क्या हुआ करता था, लोव्स फॉर ब्रेड, यानी रोटियां, जो ब्रेड होती थी, बड़े बड़े जो रोटियां होती, ब्रेड होती थी, वो एडल्ट्स के लिए होती थी, और ऐसे रिंग शेप्ड ब्रेड मिलती थी जिसको बच्चे बहुत पसंद करते थे। और क्योंकि ये थोड़ी स्वीट होती थी और बच्चों को बहुत कंफर्ट लगती थी खाने में, इसलिए बच्चे बेकर्स को देख करके वो रिंग शेप ब्रेड के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते थे। द चिल्ड्रन वुड देन बी पुश्ड असाइड सो दैट द बेकर कुड हैंड ओवर द लोव्स टू द सर्वेंट। अब जैसे ही बेकर आता था तो घरों में जो सर्वेंट हुआ करते थे वो बाहर निकलते थे और बच्चों को बोलते थे कि चलो तुम लोग किनारे खिसक जाओ, और उनसे, जो बेकर से, उनसे ब्रेड और बच्चों के खाने का सामान ले लिया करते थे, यानी बच्चों को नहीं मिलता था, सीधे सर्वेंट दिया करते थे। Undaunted, the children would climb up a bench to take a peep into the basket. They would not wait to brush their teeth to eat the bread. After all, there was hot tea with bread, so clean up everything nicely. अब यहाँ पर ये बहुत मजेदार अनुभव बता रहे हैं ऑथर, कि बच्चों की तो आदत ही होती है, उनको तो जागरूकता रहती है और बहुत उत्साह रहता है कि क्या है, कोई भी चीज अगर पैक करके बॉक्स में रख दे तो बच्चा जरूर उसको देखेगा कि इसमें क्या रखा हुआ, ऐसी क्यूरियोसिटी रहती थी। तो जब बेकर उनके वहां आता था तो बच्चे ऊंचा कुचक करके किसी ऊंची चीज पे चढ़ करके उसकी ब्रेड बास्केट को देखा करते थे कि भैया ने क्या क्या लिया हुआ इसके अंतर्गत, और जब वो सो के सुबह उठते थे तो वो इतना भी वेट नहीं कर पाते थे कि ब्रश कर पाए, उनको लगता था कब उनको उनकी पसंद की ब्रेड मिले और वो खा लें। तो ऑथर कहता है इस बीच में कि हाँ, हम मुंह क्यों धोएं, हम ब्रश क्यों करें, क्या कभी शेर अपना मुंह धोता है, क्या कभी शेर ने ब्रश किया, जो हम ब्रश करें, इसलिए हम तो ब्रश करेंगे ही नहीं, सीधे वो ब्रेड को खा लेते थे और कहते थे अरे एक कप जो गर्म चाय है ना, वो मुंह को अपने आप साफ कर देती है, तो भला हमें ब्रश करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर वो अपने छोटे नॉटी डेज को याद करता है। फ्रॉम अ पर्सनल एंडोट द ऑथर मूव्स ऑन टू द पैडर्स इंटीग्रल रोल इन द गोवन कम्युनिटी। अब यहाँ पर पर्सनली क्या होता है, जो ऑथर है, जो लेखक है, वो बता रहा है कि गोवन कम्युनिटी में, गोवन कम्युनिटी में, गोवा में जो रहने वाले लोग हैं उनमें पैडर्स या बेकर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है, वो ऑथर इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो वो डिस्कस करते हैं कि मैरिज गिफ्ट इन द गोवन कम्युनिटी वर इनकम्प्लीट विदाउट द ट्रेडिशनल स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। अब बोलते हैं कि गोवा में अगर कोई शादी भी होती थी तो कुछ भी गिफ्ट मिल जाए वो पूरे नहीं होते थे जब तक कि उनको स्वीट ब्रेड, गोवा में जो ब्रेड मिलती थी उसका नाम था बोल। तो बोल जो ब्रेड का नाम उन्होंने बताया, ये ब्रेड जब तक मैरिज सेरेमनी में नहीं मिलती थी तब तक गिफ्ट कंप्लीट नहीं माना जाता था, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस गोवन कम्युनिटी में ब्रेड का था। फॉर एंगेजमेंट्स मदर्स विल एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर सैंडविचेस फॉर देयर गेस्ट। अब जब भी किसी लड़की की सगाई का समय रहता था तो जो लड़की की माँ होती थी वो भी जब तक सैंडविचेस ना बना दे तब तक वो रस्म पूरी नहीं हुई मानी जाती थी, मतलब सैंडविच का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता था किसी की भी एंगेजमेंट पर्पस के लिए। फॉर क्रिसमस और अदर फेस्टिवल्स केक एंड बॉलिनहास दैट इज ट्रेडिशनल कोकोनट कुकीज वर एसेंशियल। मतलब मैरिज पर्पस में, एंगेजमेंट पर्पस में, और गोवा में होने वाले किसी भी प्रकार के फेस्टिवल्स हैं, क्रिसमस जैसा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, चाहे जो भी फेस्टिवल हो, सारे अधूरे रहते थे अगर केक नहीं बनता था, तो केक भी इंपॉर्टेंस हो गया बेकरी का। और एक विशेष प्रकार की कुकीज बनती थी जिसका नाम था बॉलिनहास, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है बेटा, इसलिए याद रखना। बॉलिनहास नाम की एक फेमस कोकोनट कुकीज हुआ करती थी, उसके बिना
गोवा के सारे फेस्टिवल्स अधूरे रहते थे. मतलब हाउ मच इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर्स इन गोवन कम्युनिटी. तो गोवन कम्युनिटी में बेकर्स की बहुत इम्पोर्टेंस थी. अब इन द ओल्ड डेज बेकर्स वोर अ स्पेशल लॉन्ग फ्रॉक विच रीच्ड देयर नीज. दिस ड्रेस वॉज नोन एज द कबाई. अब जो पैडर्स जो बेकर्स हुआ करते थे उस समय पे, तो वो एक इस प्रकार की ड्रेस पहनते थे, पूरी पोचू टाइप की, कि छोटा सा गला और ये पूरी इस प्रकार से नी लेंथ तक लटकी हुई रहती थी. इस ड्रेस को क्या, कौन सा नाम दिया गया, कबाई. मतलब जो बेकर्स थे वो स्पेशल प्रकार की ड्रेस पहना करते थे, उसका नाम था कबाई. द ऑथर रिमेंबर्स द ट्रेडमार्क नी लेंथ ट्राउजर वोन बाय द बेकर्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. उसको याद है कि चाइल्डहुड में जो बेकर्स वगैरह रहते थे वो नी लेंथ तक के ट्राउजर पहना करते थे. इवन नाउ इफ एनीवन वोर अ पैंट रीचिंग टू हिज नीज ही इनवाइटेड द कमेंट ऑफ बीइंग ड्रेस्ड लाइक अ पैडर. अगर मान लो किसी और ने भी इसी प्रकार की नी लेंथ तक की ट्राउजर पहन ली, तो लोग उसको कहते थे, क्या तुम पैडर की तरह कपड़े पहने घूम रहे हो. मतलब वो किसकी तरह नोट डिनोट होता था, जस्ट लाइक अ पैडर. अगर किसी ने नी लेंथ तक के ट्राउजर पहने तो वो उसको पैडर लोग कह दिया करते थे. बेकर्स इन देयर ग्लोरी डेज आल्सो यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. देयर प्लम्प बॉडीज वर प्रूफ ऑफ देयर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन. अब यहाँ वो क्या कह रहा कि बेकर्स, चूंकि बेकरी इतनी पॉपुलर थी, ब्रेडेड इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, हर कोई खरीदा करता था, तो उन दिनों ये कैसा प्रोफेशन था, बहुत प्रॉफिटेबल, यानी बहुत फायदे का धंधा हुआ करता था. और जितने बेकर्स होते थे ना, उनका प्लम्प बॉडी, यानी फूली हुई बॉडी, मतलब उनका निकला हुआ बड़ी हुई तोंद, फैटी बॉडी जो हुआ करती थी, वो ये डिनोट करती थी कि वो कितने ज्यादा मजे में और आराम के साथ पैसा कमा रहे हैं. द ऑथर ह्यूमरसली रिमार्क्स दैट इवन नाउ एनीवन विद अ हेल्दी अपीयरेंस इज स्टिल कंपेयर्ड टू अ बेकर. अब यदि किसी का कोई हेल्दी इशू बॉडी कंपेयर करते थे, तो कहते थे, अरे ये बेकर की तरह दिखाई देता है. तो बच्चों, ये थी ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत पार्ट वन, अ बेकर फ्रॉम गोवा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे. थैंक यू बच्चों.